बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है, क्योंकि तुनिशा का जो बचपन से रहा है उसको वो प्यार नहीं मिला है जो प्यार वो सब जगह ढूंढ रही थी। उस बच्ची को पढ़ना था, उस बच्ची को बहुत कुछ करना था, उसके काफी वक्त, जिसके बावजूद उनकी माताजी जो खुद एक्ट्रेस बनना चाहती थी, अपनी इस बच्ची को उन्होंने फोर्स किया एक्टिंग में आने के लिए। इस बच्ची के कंपैरिजन होते थे, जब उन्होंने टैटू बनाया, उनकी माताजी, उनके माताजी के कोई रिलेटिव, उनकी बेटियां टॉन्ट मारते थे इसको कि ये तेरा क्लास नहीं है। संजीव कौशल की बेटी के साथ में उसको टॉन्ट मारा करते थे कि ये तेरा क्लास नहीं है। तुनिशा को कहीं जाने आने में परहेज था। पुलिस जांच में ये ऑलरेडी सामने आ चुका होगा कि उनकी माताजी पैसे पैसे के लिए तुनिशा को मोहताज रखती थी। तुनिशा का खुद का पैसे पे तुनिशा का कंट्रोल नहीं था। संजीव सर, ये केस में एक चीज समझ के नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात, आप कह रहे हो कि तुनिशा का उनकी माता के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, उसके बाद आप ये कह रहे हो कि आपके फैमिली के साथ उसका रिश्ता अच्छा था। शिजान भी ये बात जानता है कि आपका और उनका सबका रिश्ता अच्छा है, फिर भी शिजान ने ये स्टेप क्यों लिया और उसके तुनिशा के साथ ब्रेकअप क्यों किया, ये क्लियर नहीं हो रहा है सर। ये क्लियर नहीं हो रहा है, नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। मैंने इसका जवाब भी दिया है आपको कि दोनों अपने अपने करियर को फोकस कर रहे थे। पुलिस अपनी जांच कर रही है, किसी को एलिगेशन नहीं लगाया है। हम सिर्फ मेंटल हेल्थ जो एक्चुअल था। सर, क्या फैमिली से परेशान तुनिशा को शिजान का धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ? ये बिल्कुल नहीं, तो व्हाट्सएप पे लिखती है, उल्टा व्हाट्सएप पे उसने ऐसा लिखा है कि लेट फोकस ऑन अ करियर। ये चैट है, पूरा कॉन्वर्सेशन सबूत है, देयर इज अ रीजन। देखिए, ये सेंसिटिव मुद्दा है, पुलिस के पास सब कुछ है। लेट देम इन्वेस्टिगेट विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस, लेट देयर बी एन अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन। शिजान मोहम्मद बेगुनाह है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, जो भी आरोप है आरोप है। सर, पिछले 10 दिनों से जब से सुसाइड हुआ है, सुसाइड के पिछले 10 दिन से वो सेट पे अपसेट थी। यहाँ पे कई ऐसे रिपोर्टर जो सेट पे जाते थे, इन्होंने देखा भी था। जब 10 दिनों से वो अपसेट थी, तो शिजान की जब इतनी करीब थी या आप लोगों से जब मुलाकात होती थी, अभी फलक रो भी रही थी, तो कनेक्शन पता चलता है कि आप लोग का तुनिशा के साथ कैसा था। तो उस कंडीशन में आपने क्या किया? उनकी बच्ची 15 दिन से बहुत ज्यादा परेशान थी, तो क्या माँ होने के नाते शिजान से उसका, हमसे उसका ब्लड कनेक्शन नहीं था, वो सिर्फ उसका उसकी मॉम से था। तो क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं थी? परेशान है और मैं उसके साथ सेट पे जाऊं, मैं उसको जाके देखूं इसको कौन थप्पड़ मार रहा है, ये वहां पे इसके साथ क्या बिहेवियर हो रहा है, क्या चीज हो रही है, किस चीज को ये फेस कर रही है, क्या ये सारी चीजें जानने का उनका राइट नहीं था? मैम, माँ ने कहा है, आप लोगों ने क्या कहा? आपको दी गई थी, माँ ने कहा है कि थप्पड़ नहीं मारा, जानकारी कहाँ से? गलत आरोप है, उनकी मम्मी झूठा।